अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ अरजू काजमी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं जी भेजा फ्राई। बिल्कुल जी, आज संडे है और कल सैटरडे था, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन जी बिल्कुल पाकिस्तान में कुछ नया जरूर हुआ है और वो हुआ है जी कल यानी के सैटरडे की रात को। बड़ा जबरदस्त जी हमने वीकेंड मनाया, खूब पार्टी हुई। और वो कैसे, वो हुई जी हमारे पार्लियामेंट में। इमरान खान साहब जो हैं अब प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे। अच्छा, ज्यादा हो गई, सॉरी। अब इमरान खान साहब जो हैं जी वो अब प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे हैं। उनके खिलाफ वोटिंग रात के 12 बजे के बाद हुई। खान साहब जो हैं वो मान ही नहीं रहे थे जी। बहुत बार कहा, हमारी आर्मी ने भी कहा, एस्टेब्लिशमेंट ने भी कहा कि जी वोटिंग होने दो। कभी खान साहब ने कहा मेरा रोजा है, फिर खान साहब ने कहा कि जी रोजा खोलने के बाद उनसे कहा कर लो, तो खान साहब ने कहा नहीं मैं तो तरावियां पढ़ने जा रहा हूँ। फिर उसके बाद खान साहब वापस आए, उनसे कहा वोटिंग करा लीजिए, खान साहब ने कहा नहीं मैं तो सहरी खाने जा रहा हूँ। उसके बाद जी खान साहब जो है वो इस तरह से टेबल पे सो गए और उन्होंने कहा नहीं मैं जो है ना प्राइम मिनिस्टर हाउस छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। तो आखिरी में मेरा ख्याल है कि वो जो है ना उनको कहा गया कि नहीं जी आपने वोटिंग करानी है। और इस तरह से जो है रात के 12 बजे के बाद जो है वो वोटिंग की गई और 174 वोट्स जो है वो खान साहब के हक में नहीं आए यानी उनके अगेंस्ट गए। और इस तरह से इमरान खान साहब जो हैं वो अब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे। उन्होंने ये भी कहा लोगों से कि जी लोग बाहर आए, लोग प्रोटेस्ट करें, लोग मेरा साथ दें। और लोग जो है वो बार बार ये बताएं कि जी हमें तो खान साहब चाहिए, लेकिन हमारी पब्लिक भी आप जानते हैं कि कैसी है। हमारी पब्लिक जो है वो सोई रही। नहीं, ये तो पिक्चर जो मैं आपको दिखा रही हूं ना, तो ये फलस्तीन की है ना ये अफगानिस्तान की, ये उस मस्जिद की है पाकिस्तान की जहां पर एसी लगे हुए। तो ये सारे जाके बस सो गए और इन्होंने जो है वो सुना ही नहीं कि खान साहब क्या कह रहे। कल से लेके आज तक जितनी मुबारकबादें मुझे आ चुकी हैं उससे मुझे तो यही लगता है कि जैसे खान साहब की गवर्नमेंट को ना मैंने ही गिरा दिया। लेकिन कोई बात नहीं, अगर अब आगे भी खान साहब जो कुछ हुआ आपकी गवर्नमेंट में, जो गलतियां हुई आपके साथ, हमने तो बहुत बार बताया आपको कि आप आते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग ना रखा करें, ना दिमाग साथ लेकर आया करें। ऑफिसर क्या करते थे आप। लेकिन खैर, अब हुआ ये कि जी किसी ना किसी तरीके से खान साहब को जो है ना धक्के मार मार के जो है ऑफिस से निकाला गया है और वो कुछ मानने को तैयार ही नहीं। वो कहते नहीं जी मैं तो इधर ही रहूंगा और मैं तो जी मेरा ऑफिस है। लेकिन खैर देखते हैं कि आगे क्या होता है। फिलहाल तो इमरान खान साहब को हटा दिया गया है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए। इस्लामाबाद में बहुत हंगामा रहा, फौज जो थी वो चारों तरफ जो है रेंजर्स थे और लग रहा था कि पता नहीं क्या होने वाला है। एम्बुलेंस भी खड़ी थी। सुप्रीम कोर्ट जो है वो भी रात के 12 बजे खुल गया था और उसके साथ साथ जो है वो पार्लियामेंट में भी बड़ा हंगामा रहा। बाहर जो है एम्बुलेंसेस भी थी, इसके अलावा पुलिस की मोबाइल्स भी घूम रही थी और पुलिस वैन भी थी। और लग ऐसा रहा था कि बस जी आज तो कोई ना कोई अरेस्ट अरेस्ट होकर ही मानेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, जो कि बड़ी अच्छी बात है कि ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि अगर ऐसा हो जाता तो खान साहब तो बड़े परेशान हो जाते। मगर हम साथ साथ एक चीज और भी हमने देखी और वो ये के डब्बू जी यानी के बिल्कुल जी आप समझ ही गए, फवाद चौधरी साहब। फवाद चौधरी साहब जो हैं वो हमें पीएमएलएन के जो मेंबर हैं उनके साथ बैठकर यानी के ख्वाजा साथ रफी के साथ बैठकर गप्पे मारते हुए दिखे। और ऐसा उन्होंने क्यों किया पता नहीं, लेकिन जरूर कुछ पूछ रहे होंगे कि जी मुझे अपनी पार्टी में ले लीजिए, क्योंकि फवाद साहब का यही काम है। ये देखिए, ये है वो पुलिस की वैन्स और रेंजर्स जो घूम रहे थे। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि पुलिस के जो वो होती है ना पूरी गाड़ी जो होती है एक, जिसमें के वैन में जिसमें के मुजरिमों को पकड़ पकड़ के लेके जाते हैं, तो वो भी जो खड़ी थी वो देख के भी कई जो पार्लियामेंटेरियन थे उनके माथे पे पसीना आ गया था। बहुत से लोगों का कहना था इमरान खान साहब ने बिल्कुल उसी तरह बिहेव किया है जैसे डोनाल्ड ट्रम्प ने किया था। डोनाल्ड ट्रम्प को भी धक्के मार के निकाला गया था। लेकिन मैं खान साहब के साथ हूँ, मैं खान साहब के साथ खड़ी हूं और मेरे ख्याल से इतनी इंसल्ट करके नहीं निकालना चाहिए था। लेकिन करें क्या, खान साहब मान ही नहीं रहे थे। खान साहब ने कहा मैं नहीं निकलूंगा बस। तो लेकिन खैर हम आगे देखते हैं एक वीडियो और आप लोग हाँ
सब लोग मुझसे ये पूछे जा रहे हैं कि जी नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन है, और इमरान खान साहब नहीं होंगे तो जी फिर मजा कैसे आएगा। देखिए सबसे पहली बात तो ये कि इमरान खान जो है वो पोजीशन में बैठेंगे और इसी तरह के स्टेटमेंट्स देते रहेंगे, इसी तरह की बातें करते रहेंगे, तो मेरे ख्याल है वो एंटरटेनमेंट तो खत्म नहीं होगी। लेकिन जो नए प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं वो भी कोई कम नहीं है, तो हम उनकी भी वीडियो दिखा देते हैं आपको और बता देते हैं कि ये कौन है। और अब नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर आप सब जानते हैं, शहबाज शरीफ साहब आ रहे हैं, तो देखिए शहबाज शरीफ साहब का एक अंदाज। मैं इंशाल्लाह वादा करता हूँ जल्द आपसे मिलूंगा और फिर वो बातें बताऊंगा जिससे पाकिस्तान अजीम बनेगा, अजीम बनेगा। जो आज हमें बिजली देना चाहता है हम पाकिस्तान कोई जी। ये थे शहबाज शरीफ साहब। और जी नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर के लिए जो है शहबाज शरीफ साहब का नाम गया है, लेकिन साथ साथ हमने जो है मतलब वो बन ही जाएंगे, लेकिन साथ साथ जो है वो तीन चार नाम क्योंकि देने होते हैं, तो हमने सुना है कि बल्कि आज न्यूज़ आ रही थी कि जी शाह महमूद कुरैशी साहब जो फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं उन्होंने भी जो है फॉर्म फिल कर दिया है और उन्होंने भी अपना नाम वो ये कौन सी पिक्चर लगा दी शाह साहब की, कोई ऐसी लगाओ ना तुम मांगना रहे हो, हाँ ये वाली, तो शाह साहब ने भी जो है वो जी अपने पेपर्स भर दिए हैं और उन्होंने भी अप्लाई मतलब वो भी जो है कहेंगे कि जी मैं भी प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता हूँ। तो बिल्कुल जो प्राइम मिनिस्टर नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर के लिए जो फॉर्म फिल किए जाते हैं और जमा कराए जाते हैं उसमें जी शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी जमा करवा दिया है और देखते हैं कि क्या होता है। शेख रशीद साहब कुछ खास इधर उधर दिखाई नहीं दे रहे और कुछ काफी चुप हैं और लगता है कि वो भी कोई सीट ढूंढ रहे होंगे कि जी मुझे भी कोई दोबारा से ले ले, या वैसे तो उनकी अपनी टांगा पार्टी है लेकिन उस टांगा पार्टी के साथ ही वो किसी के साथ मिल जाएंगे, किसी के साथ जो भी गवर्नमेंट बनाएगा उसके साथ वो हो जाएंगे। एक वीडियो और है शहबाज शरीफ साहब की, वो हम आपको दिखाते हैं ताकि आप अच्छे से समझ लीजिए कि हमारे पास जो है दूसरे प्राइम मिनिस्टर कौन आ रहे हैं। ये मौका इट इज अ मोमेंट, यू मस्ट कैच दिस मोमेंट विद योर कन्विक्शन विद योर हार्ट एंड योर माइंड, डोंट गो। जी तो बिल्कुल आप वो कह रहे थे कि विद योर हार्ट एंड योर माइंड, तो देखते हैं कि क्या होता है। जी तो मैं आपको ये भी बता रही थी कि इमरान खान साहब ने जो है वो अपना प्राइम मिनिस्टर हाउस को खाली कर दिया है और वो दोबारा पहुंच चुके हैं बनीगाला में। कल ये भी कहा जा रहा था कि जी वोटिंग ना होने दी जाए उसके लिए जो है वो इमरान खान साहब ने शाह महमूद कुरैशी साहब जो फॉरेन मिनिस्टर थे उनको ये कहा कि जी आपने जो है ना लंबी से लंबी स्पीच देनी है, आपने जो है ना तकरीबन जो है वो 2 से 3 घंटे जो है निकाल देने हैं और आपने बातें करती रहनी है, तकरीर करती रहनी, ताकि आपकी स्पीच की वजह से जो है वो टाइम इतना ज्यादा हो जाए कि वोटिंग ना हो पाए। ये और बात है कि उसके बाद जो है कोर्ट ने और आर्मी ने जो है ऐसा नहीं होने दिया और वोटिंग हुई और खान साहब जो है जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि उनको हटा दिया गया और बल्कि तरीके से हटाया गया और वो जो है अब बनीगाला में बैठ के मटर छील रहे हैं। लेकिन साथ साथ हम आपको ये भी बता दें कि जी बहुत से लोग ऐसे हैं जो खान साहब के बड़े करीबी हैं और उन्हीं में से एक हैं जी शाह फरमान साहब। शाह फरमान साहब जो हैं वो जी KPK के गवर्नर हैं और इनका कहना यह है कि जैसे ही शहबाज शरीफ साहब जो है प्राइम मिनिस्टर बनेंगे मैं जी रिजाइन कर दूंगा। बिल्कुल जी कर देना चाहिए आपको, आपको तो कल ही कर देना चाहिए था क्योंकि ये बात तो अब बिल्कुल कंफर्म है कि शहबाज शरीफ साहब आ रहे हैं। तो बहरहाल लेकिन हम आपको ये भी बता दें कि शाह महमूद कुरैशी साहब को जैसे हमने कहा कि उन्हें कहा गया था कि जी आपने बहुत लंबी जो है ना भाषण देने और ताकि टाइम जाया हो और वोटिंग ना हो पाए, तो फिर शाह साहब ने किया ये, आपने देखा कि बिल्कुल इसी तरीके से शाह कुरैशी साहब बोलते गए और फिर जी हुआ कुछ नहीं और आखिरी में फिर वही हुआ कि जी वोटिंग हुई और इमरान खान साहब को जाना पड़ा घर। लेकिन हम साथ साथ आपको और न्यूज भी देंगे जी, खाली खान साहब की न्यूज तो नहीं ना, हमारे पास तो बड़ी न्यूज होती है, आप तो जानते ही ना फजूल की बातें तो हम करते ही नहीं है, तो हम आपको एक वीडियो और दिखाते हैं और फिर बात करते हैं। तकरीबन ये 12वीं गाड़ी है मेरे ना चेक करिए।
जी, ये कल पीएम ऑफिस की तरफ जो गाड़ियां जा रही थी वो हमने आपको दिखाई, किस तरह से जो है वो आर्मी की भी गाड़ियां जा रही थी और एम्बुलेंस भी जा रही थी, पुलिस वाले भी थे, मतलब सभी थे जो कि खान साहब की खैरियत पूछने के लिए जा रहे थे। और खान साहब खुद कहाँ थे? जी, खान साहब इस तरह से झूमते झूमते कहीं फिर रहे होंगे, लेकिन अभी फिलहाल हमें नजर नहीं आए, मगर सुना यही जा रहा है कि जी प्रोटेस्ट करने के लिए निकलेंगे और लोगों को भी जमा करेंगे और अपनी पार्टी के लोगों को भी, जो बच्चे कुचे रह गए उनको जमा करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। इसके ऊपर जी बिलावल भुट्टो बहुत खुश हैं। इमरान खान का हुकूमत खत्म। जी, खान साहब को जो है बड़ी मुश्किल से समझाया गया कि खान साहब आपका डब्बा गोल हो गया है और अब आप तशरीफ ले जाइए, लेकिन साथ ही साथ वो समझने को तैयार ही नहीं थे। और फिर देखिए क्या हुआ। जी, यही कुछ हुआ और खान साहब को इसी तरह से निकाला गया। वैसे मैं बड़ा, मुझे बुरा लगा ऐसे, खान साहब आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। जब आपसे कह रहे थे कि चले जाइए तो फिर आप आराम से चले जाते ना, और फिर जाते जाते आपने इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की तारीफें शुरू कर दी। आपका क्या ख्याल था उधर से मोदी जी आ जाएंगे कि आपको बचाने के लिए? ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छा, अगर यही कुछ था तो आपको अपनी फॉरेन पॉलिसी पे काम करना चाहिए था। और शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं उनका तो आप हाल देख ही रहे, उन्होंने फॉरेन पॉलिसी की कैसी बात लगाई। अब सुनने में ये आ रहा है कि जी बिलावल भुट्टो जरदारी को जो है वो फॉरेन पॉलिसी के लिए, यानी फॉरेन मिनिस्टर की कहनी चाहिए सीट के लिए रखा जाएगा, और हम उम्मीद करते हैं कि वो कुछ ना कुछ बेहतर काम करेंगे और शायद कुछ थोड़ा बहुत उन्होंने सीखा ही होगा अपनी मदर से भी, अपने फादर से भी, और फिर पार्लियामेंट में आएंगे वो और एज अ फॉरेन मिनिस्टर जब काम करेंगे तो बड़ा अच्छा होगा। ये पिक्चर भी हम आपको दिखा रहे हैं, फवाद चौधरी साहब कल पीएमएलएन के डिफरेंट जो लीडर्स और मिनिस्टर्स हैं उनसे मुलाकातें करते रहे, और यानी कि एक तरफ तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए काम चल रहा था और दूसरी तरफ फवाद चौधरी साहब कभी किसी से मिल रहे थे, कभी किसी पार्टी के लीडर से मिल रहे थे। आखिर चल क्या रहा था फवाद चौधरी साहब? और ये फवाद चौधरी साहब और शेख रशीद साहब साथ बैठे हैं और दोनों ये सोच रहे हैं कि अब किस तरफ को जाया जाए, अब कौन सी पार्टी हम पकड़े और हम किसके साथ कहेंगे जी अब तो हम आपकी पार्टी के हैं। लेकिन हमने साथ साथ ये भी देखा कि जो स्पीकर कौमी असेंबली यानी स्पीकर नेशनल असेंबली जो थे उन्होंने मीडिया के साथ भी बदतमीजियां की। खैर, हम पहले एक वीडियो देखते हैं फिर उस बारे में भी बताते हैं। चीफ जस्टिस, कौमी असेंबली बहाल कर दी गई है। इस वक्त ये ब्रेकिंग न्यूज आपको दे रहे हैं जियो न्यूज पर। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में पांच रुकनी बेंच की तरफ से कौमी असेंबली बहाल कर दी गई है। डेप्यूटी स्पीकर की रूलिंग गैर कानूनी गैर आईनी करार। इस वक्त कौमी असेंबली बहाल कर दी गई है। इस वक्त ये ब्रेकिंग न्यूज आपको दे रहे हैं। जी, ये देखिए आपने वीडियो, पता नहीं, मुझे लगता है जो बाइडेन तो बड़ा ही खुश होगा। और खान साहब ने तो पहले ही कहा था कि जी ये तो जो बाइडेन का किया धरा है, जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ मेरे साथ हो रहा है वो जो बाइडेन ने किया है। अब देखते हैं ये कहां तक ठीक है। जी, तो मैं आपको ये बता रही थी कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो कि पीएमएलएन के लीडर हैं और हमारे प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं एक बार, उनका कहना है कि हम सबसे पहले नैब के केसेस को खत्म करना है। बल्कि नैब तो सर आप लोगों ने खुद ही बनाई थी और अब यही नैब आपके अपने ही गले पड़ चुकी है। साथ साथ हम देख रहे हैं कि फवाद चौधरी साहब जो है वो हमें किसी ना किसी पीएमएलएन के लीडर के साथ बैठे हुए नजर आ रहे थे असेंबली में, जब कल नो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होना था इमरान खान के खिलाफ। और इसमें क्या चक्कर हो सकता है? यकीनन कुछ तो दाल में काला है। लेकिन एक वीडियो हम आपको और दिखाते हैं और फिर हम आपको बताते हैं। वैसे पहले ही बता देती हूँ मैं कि ये जी हमारे स्पीकर नेशनल असेंबली की वीडियो है और इन साहब ने बड़ा माइंड करा, अगर हमारे जो हमारे साथी जर्नलिस्ट एजाज सैयद साहब ने जब उनसे ये पूछा कि सर आपने तो अपने ऑफिस को जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस बना दिया, तो उसके बाद उन्होंने क्या कहा सुनिए। कुछ कहेंगे इस पे? आपने स्पीकर के ऑफिस को वज़ीर-ए-आज़म का ऑफिस बना दिया, कुछ कहेंगे इस पे? जी जी बिल्कुल, वो एक खूबसूरत सी गाली उन्होंने दी और एजाज को। लेकिन एजाज, हमें आप पे बिल्कुल फख्र महसूस होता है और आप जो हैं वो जबरदस्त किस्म की जर्नलिज्म करते हैं और इन चीजों से घबराते नहीं। ये मैंने भी आपसे ही सीखा है कि इस तरह की बदतमीजियां जब लोग करते हैं
तो जर्नलिस्ट को डट के खड़ा रहना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं एक वीडियो और ये भी एजाज की है और एजाज बात कर रहे हैं रेहम खान से। तो काफी इमोशनल हो गए वो और मैं समझती हूँ कि इंडिया को चाहिए कि उनके लिए कुछ जगह बनाए, इसलिए क्योंकि अब हमने तो बहुत ज्यादा इंडिया किस जगह पे जगह बनाया बॉलीवुड में, मेरा ख्याल बॉलीवुड में आप कह रही तो फिल्म में, तो मैं समझती हूँ कि ऑस्कर विनिंग परफॉर्मेंस दे सकते हैं लेकिन आजकल हॉलीवुड बॉलीवुड को भी काफी तो आप जगह दे रहा। आप समझिए कि उसे इंडियन फिल्म इमरान खान साहब को इंडियन फिल्म इंडस्ट्री हीरो कास्ट करे या विलन फिल्म से, अब ये तो उनकी मर्जी। आपको पता है वहाँ पे हीरोज जो हैं वो भी विलन रोल्स करते हैं और विलन ज्यादा मशहूर हो जाते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कॉमेडिंग टैलेंट भी बहुत है। मेरा ख्याल है कि एक दो तो काबीना के जो मेंबर्स हैं वो फिर एज अ ट्रूपे भी जा सकते हैं वहाँ पे, और अगर नहीं हुआ तो कपिल शर्मा शो पे आपको पता है पाजी की जगह जो खाली है वो अब तो शेर व शायरी भी करना शुरू कर दिया, कल भी एक शेर सुना है तो कपिल शर्मा भी ये शो जरूर देख रहे होंगे, रेहम की गुफ्तगू जरूर सुन रहे होंगे जियो पे, तो बहुत ज्यादा इनके अच्छे ताल्लुकात हैं तो मेरा ख्याल है पाजी के साथ कोई शेयरिंग हो सकती है। तो कपिल रेहम आपसे दरखास्त कर रही है कि इमरान खान साहब को जरूर बुलाए। रेहम आखिरी सवाल आप। जी बिल्कुल, तो इमरान खान साहब को कपिल शर्मा शो के लिए जो है रेहम खान रिकमेंड कर रही थी। कहाँ तक आप लोग इससे एग्री हैं हमें बताना ना भूलिएगा। लेकिन हम ये भी बता दें जी, कल से जो था वो सारे पाकिस्तान के एयरपोर्ट पे ये भी हाई अलर्ट कर दिया गया कि इमरान खान की पार्टी के उनके मिनिस्टर्स, उनके एडवाइजर्स और साथ साथ उनके स्पेशल असिस्टेंट या किसी किस्म के भी असिस्टेंट जो इमरान खान साहब के साथ हैं उनको जो है बगैर NOC के कोई भी ट्रेवल नहीं कर सकता, यानी के सबके सब जो है वो भागने की दौड़ने की कोशिश करेंगे और इस चीज से बचने के लिए जो है तमाम एयरपोर्ट्स को जो है ये नोटिफिकेशन भेज दिए गए थे और कल रात से ही ये हो रहा था, इसलिए कि सबको लग रहा था कि दौड़ने वाले हैं और उनमें से कुछ लोग जो है जैसे शहबाज गिल टाइप के लोग जो हैं वो तो पहले ही स्टेटमेंट दे चुके थे कि जी हम वीकेंड पे जा रहे हैं, लेकिन अब मुझे नहीं पता कि उनको रोका गया है या वो उनको जाने दिया गया है, लेकिन मुझे लगता है वो इधर ही है क्योंकि सुबह से उनकी उल्टी सीधी ट्वीट्स चल रही है, तो मेरे ख्याल है वो इधर ही है। देखते हैं इस वीकेंड के अंदर, वीकेंड पे दो दिन के लिए बाहर जाऊंगा, मंडे वाले दिन वापस आ जाऊंगा, बता के इसलिए जा रहा हूं कि आप बाद में ये ना कहें भाग गया है। जी जी जी, बाद में कोई नहीं कहेगा कि आप भाग गए क्योंकि आप भाग जाएंगे, ना सिर्फ आप भाग जाएंगे सर, आपके जो लीडर है वो भी भागते दौड़ते नजर आ रहे हैं और लग यही रहा है कि वो भी कोई सेफ पैसेज ढूंढ रहे हैं और उसके साथ ही साथ वो भी बाहर ही भाग जाएंगे। लेकिन बहरहाल तो बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जो कि इमरान खान का इंतजार कर रहे हैं और खान साहब ने तो सोचा था कि ऐसा कुछ होगा नहीं। मैं फराह गुज्जर केस की बात नहीं कर रही, फराह गुज्जर केस के अलावा इमरान खान के ऊपर कई तरह के केसेस जो है वो बनने जा रहे हैं, जिसमें कि सोनामी ट्री का केस भी है जिसमें उन्होंने कहा कि जी उन्होंने 1 बिलियन ट्रीज लगाए थे, लेकिन वो शायद उन्होंने इंटरनेट पे लगाए थे इसलिए कि हमें तो कहीं नजर नहीं आए। और इसके साथ साथ इमरान खान साहब के ऊपर जो है आटा, चीनी, पेट्रोल और BRT का मंसूबा, यानी कि जो मेट्रो ट्रेन पेशावर में बनाई गई उसका भी केस है और मेडिसन केस है जिसमें आमिर कियानी इमरान खान के बड़े चहेते मिनिस्टर रहे हैं, उनके ऊपर बहुत सारी चोरियों का इल्जाम था लेकिन कुछ किया नहीं गया और उसको उस मामले को भी जो है निग्लेक्ट किया गया, इग्नोर किया गया, दबाया गया, छुपाया गया। तो जी अब ये सारी चीजें जो है वो जो नई गवर्नमेंट आएगी खान साहब की तो वो एक करके जरूर निकालेगी और ये एक दो नहीं तकरीबन 13-14 केसेस तो वैसे ही बन जाते हैं। उसके साथ साथ फॉरेन फंडिंग केस भी जो है वो इमरान खान का इंतजार कर रहा है और मेरा ख्याल है खान साहब को ये सारे केसेस फेस कर लेने चाहिए, इसलिए कि वो तो कहते हैं कि मैं सादिक और अमीन हूँ, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। जी तो बिल्कुल सर, आप जो है वो थोड़ी बहादुरी अब दिखाइएगा, वैसे तो आपने बहादुरी दिखाई नहीं कि आप आते और आप वोटिंग होने देते और इज्जत के साथ, जब आपको पता चलता है कि आपको वोट्स नहीं मिले हैं तो आप घर चले जाते कि कोई बात नहीं, बहुत बार होता है कि वोट नहीं मिलते, लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं किया, आपने हर हंगामा करने की कोशिश की, आपने लोगों को भी कहा कि वो बाहर आए प्रोटेस्ट करें, ये सब कुछ चल रहा है लेकिन पाकिस्तान में भी आगे भी बहुत कुछ होने के लिए जा रहा है और उसमें एक खास चीज ये है कि अब शहबाज शरीफ साहब को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा और उसके बाद दोबारा से कैबिनेट जो है वो एस्टेब्लिश की जाएगी, दोबारा से हुकूमत बनाई जाएगी और फिर देखते हैं कि वो हुकूमत आगे क्या करती है। अभी जैसे रिसेंटली आप जानते हैं कि हाफिज सईद को जो है 31 ईयर्स की कैद हुई है, तो अगर उसको सचमुच में तो जेल में रखते हैं तब तो कोई फायदा होगा, FATF से निकल पाएंगे और
तमाम बाहर जितनी यूरोपियन कंट्रीज हैं, अमेरिका वगैरह से टर्म्स बेहतर होंगे, लेकिन अगर यहाँ भी एक बार फिर पाकिस्तान ने डबल गेम खेला और हाफिज सईद को रखा जी घर में उसके, और वहां पे उसने मजे मजे से बैठ के जो है ना वो खाना पीना और घूमना फिरना जारी रखा, तो फिर दोबारा पाकिस्तान पे कोई बिलीव करेगा नहीं। उसे बिलीव तो अभी भी कोई नहीं कर रहा, लेकिन खैर कहने में क्या जाता है। तो हो सकता है कि इस बार पाकिस्तान सीरियस हो, इसलिए कई चीजें हमने देखी हैं कि उसमें जो है वो आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है, जिसमें खास तौर पे भारत के साथ टर्म्स बेहतर करने के लिए बाजवा साहब ने भी कहा है। लेकिन साथ साथ जो नई गवर्नमेंट आ रही है, तो शहबाज शरीफ साहब का भी आज एक स्टेटमेंट चल रहा था, उन्होंने भी यही कहा है कि जी हम भारत से टर्म्स बेहतर करने की कोशिश करेंगे। और साथ साथ इमरान खान साहब ने भी जाते जाते ही सही लेकिन फॉरेन पॉलिसी की तारीफ कर दी है, और बातें उन्होंने डिटेल नहीं बताई कि हमारी फॉरेन पॉलिसी क्यों खराब थी, और खास तौर पे अगर आपको ऐसा लग ही रहा था सर तो कम से कम फॉरेन मिनिस्टर ही बदल देते, जिन्हें के तमीज भी नहीं है कि किसके साथ कैसे बात करते हैं, कैसे बैठते उठते हैं। वो पिक्चर्स भी आप लोगों ने बहुत बार देखी है। यहां से मैं चलती हूँ, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा प्लीज, और हाँ हमारे जो इंटरव्यूज है, जो रूटीन की हमारी वीडियोज आती हैं, वो भी आपको कल से मिलना शुरू हो जाएंगी, बिकॉज दो तीन दिन में बहुत ज्यादा बिजी रही आपके चैनल्स पे, आप देख रहे होंगे इंडियन चैनल्स पे जा के अभी भी मुझे जाना है, तो इसलिए आज तो नहीं मैं, लेकिन कल से आपको जो है रूटीन में हमारी वीडियोज मिलती रहेंगी। और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्रिटिसाइज किया करें, बिल्कुल किया करें, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए कि हमने कौन सा सुनना होता है, हम भी अपनी गवर्नमेंट की तरह ही करते हैं, कुछ भी बोलते रहो, इस कान से सुनो उस कान से निकाल दो, तो हमें भी कोई असर नहीं होता कि आप अगर हमारी वीडियो को कहेंगे क्या बोरिंग है, क्या बकवास है, क्या लगा रखा है, तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कि जी हम ऐसी छोटी छोटी चीज़ों पर कोई इंटरेस्ट नहीं लेते और ना ही हम उस पर कोई खास तवज्जो से पढ़ते हैं, तो इसलिए खैर ये मैं वैसे ही कर रही थी, अब आप लोग दिल पे ना ले जाइएगा, लेकिन हाँ ये जरूर है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारी वीडियोस देखते रहिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, जबरदस्ती व्हाट्सएप पे भेज दिया करें, एक क्लिक तो मार ही देंगे ना, तो ये सारी मैं आपको तरकीबें ना आज से करके बताती जाऊंगी। अभी मैं चलती हूँ क्योंकि मुझे पकौड़े भी बनाने हैं और अफ्तारी का टाइम भी होने वाला है, तो इसलिए मैं चलती हूँ, इसलिए कि घर में पकौड़े मैं ही बनाती हूँ जी, और तो किसी को आता ही कोई नहीं है, मैं इतने ज़बरदस्त पकौड़े बनाती, जब मैं इंडिया आऊँगी ना मैं आप लोगों को खुद पकौड़े बना के खिलाऊंगी, प्रॉमिस, खासतौर पर अपने दोस्तों को, तो वैसे तो आप सभी मेरे दोस्त हैं, लेकिन जो दोस्त मुझे अपने किचन में घुसते रहेगा उसकी बात कर रही हूँ, तो वो उनको तो घर में फ्री में खिलाई दूंगी, लेकिन बाकी सारे लोग भी, बहुत से लोगों से मिलना है और टर्म्स अच्छे हो जाए जी, ट्रेड खुल जाए, आना जाना हो जाए, तो फिर हम भी आ पाएंगे, तो हम भी फिर मिलेंगे। बहुत से लोग मुझे ये कह रहे हैं कि तुम आजकल बिंदी नहीं लगा रही, तो बात ये कि मेरे पास बिंदी खत्म हो गई है और मुझे मिल नहीं रही है, अब मैं रमजान के बाद फिर किसी से रिक्वेस्ट करूंगी कराची से, अपने किसी दोस्त से कि भाई भेज दो, तो फिर वो भेज देंगे, लेकिन अभी रमजान में मैं उनसे क्या कहूँ, इस वजह से मेरी बिंदी जो है ना वो आजकल आपको दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि मेरे पास हो गई है खत्म, और जैसे ही मुझे मिलेंगी मैं फिर दोबारा लगाऊंगी, मुझे वैसे ही बड़ी पसंद है। खैर बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोग इतना अपना कीमती वक्त निकाल के आते हैं और हमारी वीडियो देखते हैं, बहुत शुक्रिया, आपसे फिर मुलाकात होगी जल्दी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए।